अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसएस एग्जामिन्ड। और आई एम मुख्तार फ्रॉम 49th कॉमन। और आज हम एक येट अगेन एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ये जो इवेंट है ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल जो एक है वो इवेंट है और बड़ा इंसिडेंट है और इशू डिस्प्यूट जो आप इसको कहना चाहें वो ये है पूरी दुनिया के लिए। और अगर हम टू बी मोर प्रिसाइज मिडल ईस्ट के पीस के लिए, मिडल ईस्ट के फ्यूचर के लिए ये जो इवेंट है या ये जो इशू है इसका सोल्यूशन बड़ा एक मायने खेज है। तो आज हमने इसको अभी रिसेंट टाइम्स में ये इस इशू ने और हाई पे पकड़ी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसका रीजंस क्या थे, ट्रिगरिंग इवेंट्स जो थे या ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या थे इसके। उसके बाद मुख्तलिफ जो पार्टीज टू द इशू थी या पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट थी उनके इंटरेस्ट क्या थे, उनके उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे उनके इंटरेस्ट के पीछे, और इसके पीछे मुख्तलिफ पार्टीज ने कैसा बिहेव किया, कैसा प्ले किया और एंड पे इसके एंड रिजल्ट क्या थे। तो आज हमने ये दो तीन एंगल से इसको पढ़ना है ताकि आपके करंट अफेयर्स के हवाले से, आपके IR के हवाले से और आपके पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से या ऐसे के हवाले से जिस हवाले से भी इसके अंदर कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको मल्टीपल एस्पेक्ट से इसको कवर कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि ये स्टार्ट हुआ कैसे, हाउ इट स्टार्टेड। इसके जी मेजर प्राइमरली तीन जो थे वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे। नंबर वन, क्लोजर ऑफ डमास्कस गेट। अब डमास्कस गेट से हुआ क्या, इसको क्लोज इसलिए किया गया ताकि जो फलस्तीनी थे उनकी एंट्री को बैन किया जाए, उनकी एंट्री को बंद किया जाए जेरूसलम के अंदर। ये देखिए, ये थोड़ा सा वो खुद भी जो है वो इनको नीचे से थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही थी। हम आगे पढ़ेंगे कि फलस्तीनियों को प्रोवोक करने की क्यों कोशिश की जा रही थी। तो नंबर वन के क्लोजर ऑफ डमास्कस गेट। उसके बाद क्या हुआ, नंबर सेकंड कि ईस्ट जेरूसलम की एनेक्सेशन जो हो रही थी, शेख जरा का एक इवेंट हुआ। शेख जरा के अंदर जो फैमिलीज पहले से, जो फलस्तीनी फैमिलीज जो उसके अंदर पहले से मौजूद थी उनको वहां से निकालने की कोशिश की गई और उसके अंदर एक इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर एक केस भी पेंडिंग था जो मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर जिसका थोड़ा बहुत तस्करा कर भी चुका हूं कि शेख जरा का एक जो जगह थी उसके अंदर जैसे जो फलस्तीनी फैमिलीज थी उनको बाहर निकालने का सिलसिला जारी था जिसका केस जो है वो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। उसमें क्या हुआ कि इनिशियली चार फैमिलीज को एविक्ट करना था वहां से और उनको वहां से निकाल के कहीं और वहां पे इसराइली सेटलर्स को सेटल करना था ताकि वो एक कश्मीर वाला जो सिनेरियो चल रहा है कि आर्टिकल 370 और 35A के बाद वहां पे क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही है, वहां पे सेटलमेंट्स करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर प्लेबिसाइट हो इन फ्यूचर तो उसका फायदा किसको हो, उसका फायदा इंडिया को हो। सिमिलर इज द केस विद दिस कि अब क्या किया जा रहा है कि वो जो शेख जरा का इलाका था उसको वहां से फलस्तीनियों की जो सेटलमेंट्स हैं उसको निकालेंगे, वहां पे लाके इसराइली सेटलमेंट्स को आबाद करेंगे ताकि जो है वो इसराइली एक इलाका समझा जाए। तो ये इसके पीछे पूरी थ्योरी है। तीसरा ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो क्यों हुआ कि इसराइली फोर्सेस का क्रैकडाउन हुआ। अब जब इसराइली फोर्सेस का ने क्रैकडाउन किया, बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे पैलेस्टीनियंस की जानिब से, सिट-इन्स हो रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, उनके ऊपर ब्रूटल अटैक किए, उनके ऊपर बड़े जो है हार्शली उनको डिसप्रोपोर्शनेट अटैक्स किए, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाई गई, टीयर गैसेस चलाई गई, जो है रबर बुलेट्स चलाई गई और मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर बॉम्बिंग इवन की गई। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि बॉम्बिंग तो उन्होंने रिटेलिएशन में की थी, लेकिन रिटेलिएशन में जब हमास ने उनको कहा था, उनको अल्टीमेटम दिया था कि आप ये चीजें बंद कर दें, अगर आप ये चीजें कंटिन्यू रखेंगे तो वो सकिन हो जाएंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और उनको रिटेलिएट करना पड़ेगा, जिसकी मैंने यहाँ पे बात की है। इसराइल ने या इसराइली फोर्सेस ने किया क्या, वो कॉन्टिन्यूसली इनको प्रोवोक करते रहे और रिजल्टेंटली क्या हुआ, रिजल्टेंटली कि जो पैलेस्टीनियंस की जो गजा स्ट्रिप के अंदर हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिटेलिएट किया। अब उसने जब रिटेलिएट किस तरह किया, उसने जो है अपने जो मिसाइल्स के साथ, रॉकेट्स के साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया इसराइल के ऊपर। अब इसराइल का ऊपर क्या उनका डिफेंस सिस्टम है, आपको थोड़ा सा समझा दूं। फर्ज करें ये इसराइल है, ये पूरा इसराइल है, इनके ऊपर एक वर्चुअल सा एक आयरन डोम है। अब ये आयरन डोम क्या करता है, जो कि राफेल कंपनी ने बनाया, राफेल। इसका ये आयरन डोम एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक डिफेंस शील्ड है इसराइल की। फॉर एग्जाम्पल, यहां से कोई रॉकेट लॉन्च होता है, वो यहां पे इस इनकी एयर स्पेस में जैसे ही आएगा तो यहां से ये इनका जो सिस्टम है ये एक्टिव हो जाएगा। इनका जब सिस्टम एक्टिव होगा तो इनको इनकी एयर स्पेस के अंदर ही उसको जो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल है या रॉकेट है या जो भी है उसको वहां पर स्पेस के अंदर ही उसको कन्फ्रंट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये उनका एक आयरन डोम का एक सिस्टम है जो कि बड़ा पॉजिटिव 90% इनकी एक्यूरेसी है या 90% की सक्सेस रेशियो है। तो हमने अभी बात की कि ये तीन मेजर इवेंट्स थे कि जिसकी वजह से इसराइल और फलस्तीन का इवेंट इतनी हाइप क्रिएट कर गया। अब हम उसके पीछे पढ़ लेते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या थे। मुख्तलिफ पार्टीज के कुछ फैक्टर्स होंगे कि जिसकी वजह से जो है क्या ये इतना सब कुछ जो हुआ ये हुआ। तो सबसे पहले देखें जी नेतन्याहू का पॉलिटिकल क्राइसिस। आप सब लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा कि पिछले 1.5-2 सालों में 4 दफा इसराइल की पार्लियामेंट में इलेक्शन हो चुका है, नेसेट में 4 दफा वहां पे डेडलॉक की वजह से दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े। अगर इस दफा भी, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस दफा भी अगर इनका कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट ना होती तो 5वीं दफा इनके इलेक्शन होने थे। तो हुआ क्या कि उसके डोमेस्टिक अफेयर या इसराइल के डोमेस्टिक अफेयर्स में क्या चल रहा था, वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। अब उस पॉलिटिकल क्राइसिस को इसने उधर से जो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इसको एक ऐसा इवेंट चाहिए था कि जहां पे दुनिया की अटेंशन या उनकी डोमेस्टिक पब्लिक की अटेंशन जो है उस इवेंट की तरफ लग जाए और वो सिंपथीज गेन कर ले। तो हुआ क्या कि उसने एक रीजन तो ये थी, क्योंकि आपको पता है कि डील ऑफ सेंचुरी प्रेसिडेंट ट्रंप के जमाने में फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। उसका मकसद यह था कि इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए। इंटरनेशनलाइज करने से क्या होगा कि वही याद करें जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर बारहा कर चुका हूं कि डाइवर्जनरी थ्योरी ऑफ वॉर, सुनजू। उसमें वो क्या कहता है कि अगर एक लीडर जब देखता है कि उसके डोमेस्टिक क्राइसिस एक जन्म ले रहा है तो वह एक बाहर ऐसा एक जो है ओपन करने की कोशिश करता है, एक एरिया ऑफ अटैक या इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस टाइप जो चीज है वो डालने की कोशिश करता है या कोई एक फील्ड ओपन करने की कोशिश करता है अपने दूसरी जो इंटरनेशनली जो है या ग्लोबल लेवल के ऊपर। उससे क्या होता है, उसकी जो पब्लिक होती है उसकी सिंपथीज उसके फॉर द टाइमिंग उसके साथ हो जाती है और वो अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनसे उनकी तवज्जो हट जाती है। यही कुछ जनाबे मोहतरम बेंजामिन नेतन्याहू ने करने की कोशिश। मामला तो इंटरनेशनलाइज हो गया, लेकिन उसका हल क्या निकला कि जनाब आज अपनी जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो खैर वो मसला एक दूसरा है। दूसरी चीज उसने यहां पे ये लेने की कोशिश की, उसका दूसरा मकसद ये था, एक चीज से उसने दो शिकार करने की कोशिश की। एक तो ये कि इंटरनेशनलाइज हो जाए मामला, दूसरी चीज ये कि उसकी जो पार्लियामेंट के अंदर सीटें हैं अगर तो दोबारा इलेक्शन की तरफ वो जाने की वो इसराइल जाता है तो जो राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हिंदूज हैं या जो जायनिस्ट हैं उनकी जो सिंपथीज हैं वो भी इसके पास आ जाए। उससे क्या होगा कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन होता है तो वो उसकी सारी की सारी जो उसकी सिंपथीज होंगी और उनके जो वोट्स होंगे वो किसको जाएंगे, वो बेंजामिन नेतन्याहू को जाएंगे। तो ये एक तो दो मसले हो गए, ये इसके दो मकासद हो गए। तीसरी चीज जो है, दूसरी चीज कि इसकी टाइमिंग को हमें देखने की बड़ी अशद जरूरत है। अब कुछ यहाँ पे पोलिटिकल थेरिस्ट या पोलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये डिलिबरेट था, कुछ कहते हैं कि ये कोइंसिडेंट था। कि एक तो कहते हैं जो डिलिबरेट कहते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा वक्त कि जब रमजानुल मुबारक पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा एक मजहबी एक महीना होता है जहां पे पूरी उम्मत मुस्लिमा अपनी अपनी इबादत के अंदर मशगूल होती है और एक यूनिटी और बड़ा प्यार मोहब्बत का जो है एक माहौल सा छाया होता है। और इस महीने की भी सबसे इंपॉर्टेंट रात कौन सी होती है, शब-ए कद्र या 27वीं की रात अमूमन हम जिसको कहते हैं। उस 27वीं की रात को मस्जिद अक्सा के अंदर अटैक होता है और वहां पे उनको सीज करके उसके अंदर फोर्सेस भेज के मुसलमानों को वहां पे मारा जाता है। पैगाम क्या भिजवाया जाता है मुस्लिम दुनिया को कि हम आपको इन बिटवीन द लाइंस आप रीड करें कि अटैक हुआ 27वीं रात को मुस्लिम उम्मा की थर्ड होलिएस्ट प्लेस के अंदर, तो पैगाम क्या जाएगा पूरी उम्मत मुस्लिमा को, यू आर नथिंग। तो टाइमिंग डिलिबरेट थी, ठीक हो गया। अब यहां पे हम बात करते हैं तीसरी चीज, जब से अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं इसराइल के मुख्तलिफ गल्फ स्टेट्स के साथ विद द बैकिंग ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका, तो तब से ये फील कर रहे थे कि इनको एक ओपन चेक मिल गया है टू सब्जुगेट और सबड्यू द पैलेस्टीनियंस। ये चीज इनको एक कॉन्फिडेंस सा मिल जाता है, इनका कॉन्फिडेंस मोरल बिल्डअप होता है यहां से कि अब जो है गल्फ स्टेट्स जो बड़ी, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, वो अब मेरे जो है वो हाथ के अंदर है या मेरी जेब के अंदर, डीप पॉकेट्स, जो एक बात की शाह महमूद कुरैशी ने कि अब उनके ऊपर मेरा पूरा इन्फ्लुएंस है। तो इसने इस चीज को डिलिबरेटली यूज किया अब्राहम को अकॉर्ड्स को, क्योंकि गल्फ स्टेट्स उसके खिलाफ नहीं खड़ी होंगी और मैं जिस तरह फलस्तीनियों को जो है वो चाहेगा कर लूंगा और जो मकासद है वो फुलफिल कर लूंगा। तो ये तो बात होगी, हमने इसके पढ़ लिया कि मामला स्टार्ट कैसे हुआ, मामला के पीछे इंटरेस्ट क्या थे या फैक्टर्स क्या प्ले कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। देखिए सवाल तीन चार चीजों के ऊपर ही आएगा ना आपको कि उसका मामला स्टार्ट कैसे हुआ, मामले में हुआ क्या, मुख्तलिफ पार्टीज के इंटरेस्ट क्या थे या उसके रिजल्ट्स क्या निकले और उसका फ्यूचर वे फॉरवर्ड क्या है। ये तीन चार एस्पेक्ट्स के अलावा क्वेश्चन नहीं आता होता। अब हम उसके रिजल्ट पढ़ लेते हैं। रिजल्ट में सबसे पहली चीज है कि जी ट्रूस एग्रीमेंट साइन होता है विद द बैकिंग ऑफ इजिप्ट एंड यूएस। अब इजिप्ट यहां पे एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आफ्टर जो इनकी ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स और ये ऑस्लो अकॉर्ड्स वगैरह के बाद बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है इजिप्ट, जो अरब लीग से जिसको निकाल दिया गया था जब इसने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद अब आके इजिप्ट एक बड़ा मेजर रोल यहां पे प्ले करता है। फलस्तीन जब टू बी मोर प्रिसाइज या टू बी मोर स्पेसिफिक, हमास और इसराइल के दरमियान, हमास और इसराइल की जो है उनको एक टेबल पे लाता है और एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके पीछे यूएस का भी प्रेशर होता है। यूएस इसराइल के ऊपर प्रेशर डालता है। इसमें पॉइंट को आपको लिंक करूंगा आखिरी पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ। अब इधर क्या होता है, इधर यह होता है कि कुछ दिनों पहले, इस ट्रूस एग्रीमेंट से कुछ दिनों पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनकी मीटिंग होती है, जिसके अंदर रशिया कैटेगोरिकली उनको बता देता है कि ये भाईजान आप रेड लाइंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर गुलान हाइट्स के साथ सीरिया मौजूद है, सीरिया के अंदर कौन है, बशार अल असद की बैकिंग कौन कर रहा है, रशिया। तो ऐसा ना हो कि हम रशियंस और अमेरिकन जो कि अलाय है इसका, इसराइल का, दोनों आईबॉल टू आईबॉल आ जाए इनकी मिसकैलकुलेशन की वजह से या इनकी पेटी पॉलिटिक्स की वजह से। तो एक कैटेगोरिकली उनको एक जो है वो पैगाम जाता है अमेरिकन को, और वो अमेरिकन रातों रात बाइडन की उसको एक, अगर आप खबरें पढ़े रॉयटर्स की, अल जजीरा की, वॉशिंगटन पोस्ट की, तो उनकी हेडलाइंस ये लगती हैं कि बाइडन वार्न्स नेतन्याहू कि अपनी जो फोर्सेस हमको वो जो है वापस बुला ले या उनको सीज फायर के ऊपर वो कहता है कि इसको सीज फायर करें। तो एक बड़ा हार्श और बड़ा टू द पॉइंट और कैटेगोरिकली वहां से स्टांस जाता है रशिया का अमेरिका को, और कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका प्रेशर डालता है इसराइल के ऊपर और रातों रात वहां पे सीज फायर हो जाता है। दूसरी चीज हमें इसमें क्या नजर आती है, दूसरी चीज के डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक होता है। वो तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, उन्होंने तो कोई आपको वो पैलेट गन्स नहीं लगाई, वो तो अपने वहां पे सेटिंग्स कर रहे थे, उनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट जो है वो अटैक होता है। उसके बाद जब हमास उनके ऊपर अटैक करता है, तो होना तो एज पर यूनाइटेड नेशंस चार्टर क्या चाहिए कि आप प्रोपोर्शनेट उनको जवाब देते। आपने क्या किया, आपने 250 फलस्तीनियों को मार दिया, आप वॉर क्राइम्स का जो है वो एक मुर्तकिब ठहरे। अगर तो ये इस दुनिया में कोई इंटरनेशनल लॉ नामी कोई चीज है जिसका मैं बहुत बड़ा हामी हूं, अगर तो वो चीज एग्जिस्ट करती है, तो एज पर इंटरनेशनल लॉ प्रोविजंस इसराइलीज जो है उन्होंने कमिट किया है वॉर क्राइम्स। इस एपिसोड के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक रशिया और यूएस का मैंने आपको बता दिया है, सॉरी इसके साथ मैंने आपको लिंक करना था, ये मैंने गलत एरो लगा दिए। रशिया और यूएस की आपस में कन्फ्रंटेशन या सकिन हो रहे थे दोनों ममालिक उस इंसिडेंट के अंदर। उसके बाद हमने देखा है कि यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा एक्सपोज बड़ी बुरी तरीके से हुई है एक ऐसे महीने में जो मुसलमानों के लिए बहुत अजीम है। उसके अंदर जब हम एक दुआएं करते हैं और हम अहद करते हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा एक है, उसके अंदर हमारे थर्ड होलिएस्ट प्लेस के ऊपर अटैक होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। मुस्लिम उम्मा की जो यूनिटी एक्सपोज होती है, क्वेश्चन होती है इसके ऊपर, सिवाय एक दो ममालिक के जिसमें पाकिस्तान आता है, जिसमें टर्की आता है, जिसमें इजिप्ट आता है, जिसमें कुवैत आता है। इसके अलावा शायद सऊदीया ने कुछ एक आध कोई स्टेटमेंट दी हो और किसी मुल्क ने कुछ जो है वो स्टांस नहीं लिया इसको रियल पॉलिटिक्स। चौथी और या पांचवी चीज वीक डिप्लोमेटिक फ्रंट। देखें आज की जो दुनिया है ना, अगर आपने कोई अपनी बात मनवानी है या कोई आपने चीज जीतनी है या अपनी बात मनवानी है तो आपकी डिप्लोमेसी जो है इफेक्टिव होनी चाहिए। मुस्लिम या कंट्रीज का अलमिया ये रहा है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो बहुत वीक होता है, हमें डिप्लोमेटिक इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। एफएटीएफ में आप देख लें, कल जिस दिन आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इससे एक दिन पहले एफएटीएफ की जो है वो एक लिस्ट जारी हो चुकी है जिसके अंदर पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने 26 पॉइंट्स के ऊपर मनोअन जो है अमल कर लिया हुआ। तो ये क्या, इससे हमें जाहिर होता है कि हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है वो फेल है। तो वीक डिप्लोमेटिक फ्रंट। उसके ऊपर छठी चीज, कुवैत ने एक रेजोल्यूशन पास की या रेजोल्यूशन अंदर जो है रेज की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। सिर्फ एक कुवैत वाहिद मुस्लिम वो मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसराइल और फलस्तीन के मामले के ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश की जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया, और अमेरिका के कुछ इत्तेहादियों ने वीटो नहीं किया या उसको नेगेटिव वोट नहीं दिया, एब्सटेन कर लिया। बाकी सारे मुमालिक ने उसको पॉजिटिव वोट दिया या अफर्मेटिव वोट दिया। अब यहां पे एक हमें यूएस की आइसोलेशन नजर आती है जिसको चाइनीज भी क्वेश्चन करते हैं। चाइनीज क्या कहते हैं कि इज दिस द इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर द यूएस टॉक्स अबाउट, कि जिसके अंदर मेजॉरिटी एक साइड पे, डेमोक्रेसी की बात करता है ना यूएस, तो डेमोक्रेसी एक साइड पे, सिर्फ एक अकेला यूएस इसको वीटो कर देता है। तो ये तो था जी आज का इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, और इसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ जो है इसके सामने लेके आते रहेंगे, इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को और मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स